हाथों की टीम पूरी युवाओं की टीम है, शानदार टीम। बच्चे बड़े हमारे मध्य में इस बनिया ग्राउंड है तो लाला ग्राउंड है, मैं कहा कि बनी ग्राउंड है भैया, बनियों को बनिया मारे या मारे करता। ये वो मजबूत कौम है, ये वो मजबूत समाज है जब तलवारों के बल पर धर्मांतर हो रहा था मुगलों के शासन में, जब मुगलों के शासन में तलवारों के तार पर धर्मांतर हो रहा था, वैसे समाज ने कभी आत्मसमर्पण करके इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। हमने तब लड़ाई लड़ी तो हम कमजोर कैसे हो सकते, और अब तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आप पूरी ताकत के साथ समाज में खड़े रहे, पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई को लड़ते रहते हैं, समाज को मजबूत करें। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में, एक उन्होंने एक माहौल दिया है आपको। अभी 3 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण था, व्यापारी सिर उठाकर चल नहीं सकता था, हमारी बेटियों के साथ बेइज्जती होती थी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, स्कूटर पर चलते हुए उनका दुपट्टा चुन्नी छीनी जाती थी, साइड में स्कूटी में साइड मारकर उसको गिराया जाता था, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी हमारा सुरक्षित नहीं था, व्यापारी के गले में हाथ डाल करके गुंडे और माफिया पैसा निकाल देते थे। मित्रों, 2.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये माहौल आपको देने का काम किया है कि व्यापारी सर उठाकर चल सकता है, सर उठाकर व्यापार कर सकता है, और हमारी साथ आपको ना कोई गुंडागर्दी कर पाएगा, ना कोई बदतमीजी कर पाएगा, ना कोई हमारा पैसा मार पाएगा। एक व्यापार का माहौल और जीने का माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया, आपको मजबूत किया, आपका स्वाभिमान दोबारा जागृत हुआ है। जिन पिछले समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में व्यापारी बिल्कुल दम हो गया था, भयभीत था, डरा हुआ था, व्यापार करने में सक्षम नहीं था, हम एक दूसरे पर शक करते थे। हमारी बेटी के साथ कोई घटना हो जाए तो थाने में नहीं जाते थे, इसलिए जाते थे हम अपने आप को अकेला महसूस करते थे, हमको लगता है मेरे साथ कौन जाएगा, मेरा साथ कौन देगा, हम सब आपस में बिखरे हुए थे। एक ऐसा माहौल बना अपने आप, ये पूरा समाज आज ताकत के साथ मित्रों इकट्ठा हुआ, आप ही के बल पर, खतौली की ताकत के बल पर, जो पिछली बार आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया, हमारे विधायक को यहाँ से जिता करके विक्रम सैनी जी के रूप में आपने भेजा, मुजफ्फर के सारे विधायक आपने जिताकर भेजे, उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जिताकर भेजे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको मंत्री के रूप में बना करके आपके पीछे, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मेरे मंत्री बनने में आप सबका योगदान है, सीधे वोट आपने नहीं दी। अंकुर सिंगल, अंकुर जी 28 तारीख में एक आयोजन किया गया था मेधावियों के सम्मान के लिए, क्या था आयोजन? खतौली के अंदर आर्यन पार्टी लोन में महाराजा अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर खतौली के अंदर वैसे समाज के बच्चों का छात्र छात्राओं अलंकरण समारोह किया गया था, जिसमें खतौली के भी जितने टॉपर बच्चे रहे हैं उनका सम्मान समारोह किया गया। कौन कौन आए थे इस कार्यक्रम के अंदर? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे कपिल देव अग्रवाल जी राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर से, राहुल लाल रस्तोगी जी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से आए थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवनीत गुप्ता जी मेरठ से पधारे थे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर वैसे समाज की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो वह उसकी दोनों आंखें निकाल देंगे, और अगर कोई गलत भी करता है तो वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो इस बयान को आप कितना सही मानते हैं? ये बयान मेरी अभी नॉलेज में नहीं आ पाया है।